Guys, check out the nice Ferrari. Carbon fiber. चलो गाइस तुम्हें दिखाते हैं बढ़िया पार्टी स्टाइल अपार्टमेंट। खुल जा सिम सिम। हे हेलो गुड मॉर्निंग, वेल्कम बैक टू अदर एपिसोड। आज की शुरुआत हो रही है जल्दी, संडे हो गया, मंडे रोज खास डे। एनीवेज हम जिम जाके आ चुके हैं। आज का प्लान ये है, सुबह तो भाग गया वैसे, ब्रेकफास्ट के लिए बुला रहा था। और तू क्या कर रहा था? आप जाना कैसे ब्रेकफास्ट के लिए बुला रहे हो? बट जी एल की भाग गया हो तो मैंने कहा भाई, मैं पहले मैंने सोचा कि मैं जिम मिस कर लूँ, क्योंकि मैं जब जिम में गया तो इसका फोन आया स्विगी, चल ब्रेकफास्ट करने चलते हैं। तब देखो यहाँ पे चॉइस आती है, दो चॉइस, या तो तुम चले जाओ घुटर मस्ती करने, या तो तुम वर्कआउट कर लो। तो हमने वर्कआउट चूज़ किया और वो चला गया लंच करने, और ठूस ने हमने दो एक्सरसाइज भी कर ली और फालतू खाना भी खाया। अब उसको आने, तो फिर हम शायद उसको उसका सोफे के बारे में इतना लोगों ने बोल दिया, सोफ़ा लेने जाना, कह रहा आ जाओ पैर घूम चलेंगे। हम भी वैसे बोल चुके, देखते हैं सोफ़ा हम भी देख लेंगे, उसके बाद शाम को हम जाएंगे फ्राइड राइड। सो गाइस हम निकल चुके हैं, आज तो संडे था, लेजी संडे नहीं हो रहा। हम जा रहे हैं बढ़िया फ्राइड का राउंड लगाने। होबो भी आ रहा है, पर होबो सिर्फ मिलने आ रहा है, वो शूट के लिए जा रहा है, कह रहा संडे आई डोंट वांट टू शूट। ओके अल्लाह हाफिज़। अच्छा रेड है। सो गाइस फाइनली आज थोड़ा सा कट गया, तुषार और वो होबो ज़्यादा बातचीत में लग गए, सनसेट निकल गया हमारा। 4 बजे मिलना चाहिए था वैसे, लंच पे मिलना चाहिए था, बड़े सेक्सी लग रही है। सो इनसाइड इज़ रेड, बाहर इस ऊपर ग्रे है। दो मारा ऐसे स्टार्ट हो जाती है। गिफ्ट इनसाइड क्या शाइन मार रही है यार, सेक्सी। क्या तुम जूते लेके आए पहले? क्या सिख लग रही है, बैठो। ये क्या मेरा हैप्पी बर्थडे है? नाइस। ओह वाओ, ये कब? ओह क्या बात है। ओह शिट, ये कब आ रहा है? सो गाइस एडिडास कोलैब विद मिस्टर बेकर, बता दो सही। नहीं ले तो ले, बट ये क्या आ क्या रहा है? लॉन्च कब हो रहा है? मस्त है यार ये तो। Oh, nice. What's it say? Mr. and Baker. Achha, this is also Mr. Baker. Nice. Stan Smith. So, ye kaise kiya collab? Nice. Wow. Thanks, yeah. Chalo. Ride le. Mast. So, guys, check out the nice Ferrari. Carbon fiber. Carbon fiber, ye bhi. What is this? RPM? अभी जैसे एग्जॉस्ट ऑन और एग्जॉस्ट ऑफ? एग्जॉस्ट किक्स ऑफ एट 3000 आरपीएम। ओह तो इट्स नाइस एंड क्वाइट एंड कंफर्ट आफ्टर 3000। अच्छा ऑटोमेटिकली, एंड यू कैन मैन्युअली ओपन और क्लोज द वाल्व। यू हैव योर स्पोर्ट्स मोड, यू हैव योर रेस मोड व्हेन यू ड्राइव लाइक क्रेजी, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ, स्टेबिलिटी कंट्रोल ऑफ इफ यू फीलिंग एक्सट्रीमली रिस्की। ओके दैट इज रिस्क एकदम ही। आई डोंट हैव द बॉल्स टू ड्राइव इट देयर। Not today. And this one, सबसे नीचे क्या है? Wet. What is that for? बारिश होगी तो? Speed bump mode. अच्छा ऊपर नीचे? Bumpy road. हाँ. ऊपर नीचे नहीं? नहीं. That's nose lift. But हाँ, there's a thing ना that you can lift it up. There's a nose lift over here. हाँ. Right there. Mm. But this is if you want to drive on bumps like this to soften the suspension. Oh. चलो let's go. Seat belt लगा ले. बहुत ही नीचे है. वो वाली road पे चलते हैं. इसके मेरे सामने वाली DFC जो इधर से स्ट्रेट नहीं है, उधर से 488 GTB, ये तो ब्रांड न्यू लग रही है। हाँ अच्छा नीचे इधर है शीशा, गाइस काफ़ी स्पेशियस लग रही है, मतलब ऐसे इसमें क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं लग रहा। जैसे मेरी गाड़ी में क्या होता है, ऐसे तुम अटक जाते हो कॉकपिट की तरह लगता है, बट इधर इसमें देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस, बट इट्स वेरी लो, बहुत ही नीचे है। खाली रोड आएगी तो हम रुकते हैं, बट आवाज मस्त आ रही है और गैस मिक्स आउट है। जो इधर बैठता उसको लगता है यू मस्ट बी नॉट गेटिंग दैट, लगा नहीं लगा पता चलेगा। हाँ इधर देख सकते हैं हम। ओह माय गॉड, फिर भी राइड इज क्वाइट सॉफ्ट, सस्पेंशन इज क्वाइट सॉफ्ट।
हाँ लैम्बोर्गिनी तो जो चलाई थी वो बहुत वो थी स्टिफ, आई डिडंट लाइक लैम्बोर्गिनी, थोड़ी स्टिफ सी थी वो. करेक्ट, यू आल्सो डिडंट लाइक इट, अच्छी थी वो. ओह आई थिंक लैम्बोर्गिनी इज एट लीस्ट द हुरकान इज अ बिट टू स्टिफ, इज लाउड बट द हैंडलिंग इज शिट. अच्छा, दिस कार इज अ लिटिल बिट मोर कंफर्टेबल, इट्स एन एवरीडे कार. क्या बोला तूने? इट्स एन एवरीडे कार. बहुत पैसा है मेरे पास, तिजोरियां भर रही हैं. यू कैन यूज इट, सॉफ्ट ऑन द सस्पेंशन एंड इट हैंडल्स प्रीटी वेल एज़ वेल. So if you look at the body roll, it's not like you're like going left or right. It's quite low to the ground, and you feel like you're in a bucket. And when you jab turns pe aake, when you pedal full accelerate karte, to side aise hoti hai, nahi hoti? Quite stable. Ab kuch nahi hai. और इसमें वो नहीं होता क्या बोलते हैं वो कहाँ है गाने शाने अबे वो क्या देयर इज नो कंसोल इट्स इनसाइड ओह सो द पैसेंजर ये हो गया अपना इधर का ये म्यूजिक सिस्टम हो गया किस किस स्पीकर लगे हैं इसमें अच्छा इसमें लिखे नहीं होते बोस के हैं तो इन दिस कार ऑल दीस लिटिल कार्बन पार्ट्स आर अपग्रेड्स So when you're That's buying it. The car, these are all options. So you have carbon to choose. Fiber, carbon fiber, carbon fiber. This stitching is an option. The plating on the side for the logo is an option. So they customize it to the owner. So there is a base level and then you customize it. Exactly. अच्छा पोर्श की तरह पोर्श भी तो बोलते हैं कलर चेंज कर लो ये कर लो वो कर लो. But they're stupidly expensive these upgrades. तो मदा तो गाइस आज इशू बना रहा है बढ़िया क्या बना रहा भाई शेफ चिकन टिक्का विद सम बटर बिरयानी एंड सम हमस हम इसको सूप के साथ खाएंगे इसको सूप में डालेगा अलग अलग ये अलग वो अलग चल ठीक है फिर तो ग्रेप सो गाइस मेरे साथ बहुत गंदी ब्लोटिंग हो गई थी तुषार के साथ बैठा था तुषार ने सजेस्ट किया कि जाके वो कराओ अपना फूड एलर्जी टेस्टिंग मैंने उसी टाइम ऐप बुक करी बंदी आई अभी खून वून दिख गई है मेरा ओ अब टकला पिटेगा ये देखो बहुत सही सीरियल है भाई ये सब पता नहीं कहाँ ये सब इनकी एड्स क्यों दिखाते हैं अब तेरा छोटे का धार निकलने वाला है और चलेगा तो पड़ जाएगा और मुझे नेटफ्लिक्स पे निठारी घाट पे है वो देखो बहुत क्रेजी था गाइस देखो क्या मस्त चिकन बनाया ईशु ने एंड सम नाइस सूप हेल्दी हमस इन पीरेस यहां मर्डर हो गया मर्डर The next day. Hey, what's up? Good morning. Welcome back to another episode. आज की शुरुआत होगी है बहुत जल्दी. आज है आखिरी दिन दुबई में और हम जा रहे हैं आज रात को दो मादा. That's it,
लास्ट डे तो आ रहा है हमारा बढ़िया माल आ गया भाई। तो गाइस आज हम फाइनली जा रहे हैं, तो मैं से तगड़ा जिम भी हो जा रहा हूँ। मैं 1.5 घंटे से जिम कर रहा हूँ, क्योंकि काम ही नहीं खत्म होता। कभी किसी को गाली पकड़ा, कभी किसी को, कभी किसी को, कभी किसी को। कल रात को 4 बजे सोया हूँ मैं वापस, मुझे लैपटॉप पे काम करने का बहुत चढ़ गया था। अगर रात को मैं स्क्रैपिंग कर रहा था, इसको स्क्रैपिंग नहीं पता, स्क्रैपिंग होता है कैसे काम। ऐसे एक वेबसाइट है, मुझे रिसर्च करनी है, तो रिसर्च के लिए कंपटीशन का सब कुछ देखना पड़ता है। तो जैसे दूसरे जितने भी कंपटीशन थे सबकी मैंने ऐड देखी, सब क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वेबसाइट कितनी फास्ट है, कितनी स्लो है। फिर उसकी वेबसाइट पर गया मैं, बड़े दिनों बाद स्क्रैप लगाने में बड़ा मज़ा आया। तो मैं ना कुछ नोट पर आंसर नहीं लेता, मैं लगा रहा था तो मेरी जो पेशेंस है वो ख़त्म हो गई थी। कौन करेगा, कौन देखेगा। फिर मैं कहा नहीं, मैं तो करके रहूँगा आज। फिर स्क्रैपर होता है, ऐसे टूल होता है, ऐड ऑन में लग जाता है, उठ जाओ फिर उसको ट्रेन करो कि ये जैसे दिख रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे दो तीन और एग्जाम्पल कुछ प्रोडक्ट हो गया, तो आपको प्रोडक्ट की पूरी वेबसाइट से एक्सेल चाहिए। तो उसमें बन जाएगा कि पहले इसको उठा, ये रो गया, उसके बाद कॉलम को ट्रेन करो कि पहले इसका नाम चाहिए, फिर इसका प्राइस चाहिए, फिर इसका ये चाहिए, फिर इसका वो चाहिए। उसमें पूरी लिस्ट आ जाएगी। फिर मैं अपना डेटा एनालिसिस कर सकता हूँ कि भाई हमें इतनी अगर वो करनी है तो हमें इतने प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं। रिवर्स कि मुझे 20 लाख की सेल चाहिए, तो उसको 20 लाख की सेल के लिए मेरे को कितनी मार्केटिंग करनी है, कितना वो करना है कि ये होना चाहिए। तो समझाऊँगा मैं। आज हम कर रहे हैं बैक, बाइसेप एंड ट्राइसेप, क्योंकि उस दिन सुवीर के साथ मैं आया था तो हम ढंग से बाइक बैक कर नहीं पाए थे, बहुत मोटा हो गया। तुम कमेंट्स भी करते रहते हो, अच्छा ऐसे कमेंट्स क्या करो, मोटा सूद, मोटा व्लॉगर, पता नहीं क्या क्या। ओ मेरे हाथी, लेट्स डांस, लेट्स डांस। ये देखो गाइस, हमने मंगाई थी वो बिहान की साइकिल, मैंने ऑर्डर करी थी, आ गई मस्त है। देखते हैं अब छोटी तो नहीं आ गई, छोटी ना हो बस, ये मैंने पहला करी कि इसको रिटर्न करो, रिटर्न करो। मेरी शाम की फ्लाइट है, हम निकल रहे हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम सोचा काम वाम कर लेते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है तो जाके अपार्टमेंट देखते हैं ब्लू वॉर्ड में। इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव बट हमें मिल नहीं रहा है, मतलब हमारे दोस्त का है, दोस्त के ससुर का है। हेलो, हाँ ईशु आ गया, जूस निकल गया मेरा, खोले चलता नहीं गया। ये निकला चाइनीज, expecting an email from you bro, we need to close this apartment spick and span. वहां पे वैले है कि वहां पार्क कर, वैले नहीं है सामने ना, ऐसा एक जगह है तू पार्क कर दे, ऊपर फाइन तो मैं नहीं लगा सकता, फाइन नहीं है। मैंने भी ऐसे वो 2 मिनट कुछ नहीं बोलेंगे, 2 मिनट नहीं बोलेंगे ना, हमने बस जाके आ जाना है, ठीक है। सो गाइस अभी हमारा प्लान ये है, मेरी शाम को मेरी फ्लाइट है भाई 11:30 की, 11:30 की फ्लाइट है, तो शारजा से आज तो कितने देर पहले पहुंचना पड़ेगा? पहुंचना तो भाई 2-3 घंटे पहले पड़ेगा, बट शारजा शाम को जाने में बैठ भी जाएगी। क्या बात कर रहा है, मैं 9 बजे जाऊंगा ना, 9 बजे भी ट्रैफिक होगा। क्या बात कर रहा है, ग्रेट। ओए यार वो कर दियो, मैं मेरे पास ड्राइवर मिले हुए ना मशरिक बैंक में, हाँ ये करिए एक बार मशरिक मशरिक। गपशप आप है पॉडकास्ट पे, बताइए अगर किसी को दुबई जॉब लेनी हो तो क्या किया जाए? पहला क्वेश्चन, दुबई की इंडिया, दुबई की इंडिया, तेज बोल आवाज नहीं आएगी, दुबई की इंडिया। हाँ डिपेंड करता है ऑन वो, मतलब पर्सनल गोल क्या है, मतलब एक्सप्लेन की अपॉर्चुनिटीज इंडिया में भी अब इक्वली अच्छी है और इक्वली गुड पेइंग है, यू जस्ट नीड टू बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। ठीक है, प्रोज एंड कॉन्स बता दो ना, इंडिया में काम करने का क्या है, समझ जो तेरे जितने भी लोग हैं साइड के। नहीं, सबको एक चीज लगती है, वो जितने पैसे कमा रहा है तू कितने के पैसे कमा रहा है प्लस लाइफस्टाइल। नहीं, सबसे बड़ी चीज होती है कि लोगों को एक लगता है कि दुबई आके वर्क कल्चर बहुत अलग है इंडिया से, वो नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं है, वो बिल्कुल भी नहीं है, यहां डबल खिसाएंगे यहां पे और खराब ही है। मैं तो मंडे टू संडे काम करता था, संडे भी मैं ऐसे ही था, मैं तो काम ही काम करता रहता था। तो वर्क
कल्चर इक्वली खराब है दोनों जगह. वो यूरोप में ही अच्छा है. पे अपॉर्चुनिटी जो है वो मतलब बेस्ड ऑन द इकोनॉमी भी बहुत डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे अगर ज़्यादा कमा रहे हो आपके खर्चे भी उतने ही ज़्यादा हैं. और यहाँ पे एक और जो फैक्टर आ जाता है कि आप जितना ज़्यादा कमाना स्टार्ट करते हो आपकी लाइफस्टाइल भी उतनी रैपिडली चेंज होती है, रहती है, जिससे आपके खर्चे भी उतने रैपिडली बढ़ते हैं. तो ये कौन है और कौन एक और मतलब कौन नहीं है. यहाँ पे यू गेट एक्सपोज टू द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग. इट इज ऑन यू हाउ यू टेक इट अहेड. यहाँ पे तो दो मादा. और अगर किसी को जॉब ढूंढनी है तो कितना पैसा चाहिए अकाउंट में? जॉब ढूंढनी है कितना पैसा चाहिए अकाउंट में? मतलब आपको तीन महीने आप नहीं है, दो महीना हो गया विजिट वीजा. हाँ मतलब तीन महीने का आपको जितना सर्वाइवल कॉस्ट लगता है वो लेके आओ. हाँ उसके बिना मत आना. अदरवाइज दो मादा. आप मैं और बैग पाइपर. अब तू मैप पे लगाया हो तुमने? मेरी पीठ गई यार. कोई लोअर बैक का इलाज कर दो. गाड़ी कैसे चलाऊंगा मैं अभी 15 दिन. सो गाइस बहुत ही बढ़िया सरप्राइज आने वाला है तुम्हें. कल तुम्हें सरप्राइज बता दूंगा मैं. इस बार तो मैंने भी बताया नहीं तुम्हें, मेरे मुंह से ही निकला. मेरे मन में था, प्रोकेस्टिनेट कर रहा था बहुत. करूँ नहीं करूँ. कर ही लेते फिर. रिग्रेट तो छोड़ने नहीं है हमारी जिंदगी में. इस अब राइट लेना. अब राइट यहाँ पे हम आते थे. यहाँ हमारे पास पहले दो फ्लैट्स होते थे. यहीं से तो आते थे घूम के. क्या नाम था उसका फ्लैट का? मरीना स्वीट्स. कबाड़ा स्वीट्स. ये इसमें था. इसके बाद वाला ये स्टेला डे मेरी के. अच्छा हाँ ये वाला था. इन्होंने इसने हमारी रातों की नींदें खराब की. एक और बिल्डिंग बन गई उसके पीछे. वो देख मरीना स्वीट्स पार्ट टू. अब वो तो छोटा हो गया ना मरीना स्वीट्स. देख क्या है इसके अंदर. वो भाई बैठा होगा आदिल तो नीचे ही बैठा रहता था. कन्विंस कर रहा हूँ कि गाड़ी लाइसेंस ले ले भाई. फिर मैंने कहा कि फिर ये नहीं बेचूंगा मैं, फिर तू क्लाइंट्स के साथ जाइए ऐसे गड्डी सेटे बेच. ओ यार ओ ये किसने मारी थी गाड़ी? बहुत गंदा ट्रैफिक है भाई दुबई में. आज मैं मतलब ये मरीना वाली साइड पता है एक साल बाद गया हूँ. लगता ही नहीं है चक्कर. हम जब मरीना स्वीट जाते थे कितना टाइम लगता था? 15 मिनट में. 15 मिनट में जाता था. 20 मिनट ऐसा होता था कि घर पे कॉल आता था कि अरे अभी 10 मिनट दबाए. 10 मिनट निकले हम वहाँ से निकलते थे. 15 मिनट के लिए आया है कोई. हमने कहा हम बस नीचे ही आ गए बस. और घर से निकलते थे 1 सेकंड में जुप करके कमर में जाते थे. दो मादा. अभी प्लान थोड़ा सा कैंसिल कर दिया मैंने क्योंकि मैंने देखा मेरी फ्लाइट है 11:20 और मैं शारजा से फ्लाइट लेता नहीं हूँ. हमेशा हम एमरेट से लेते हैं इसलिए हम इतना लेट कर सकते हैं क्योंकि मेरे को आदत है कि घर से 20 मिनट में वहाँ पहुँचूंगा और बिजनेस क्लास भी करूँगा तो 5 मिनट में चेक इन करके अंदर. सिल्वर का काउंटर अलग सब अलग सब कुछ. अब ये शारजा शुरजे का पता नहीं हमें क्या होगा तो इसलिए जल्दी आना पड़ेगा. लाइन में लगना पड़ेगा. उधर की सिल्वर विल्वर कोई सोच. मेरे पास ऑप्शन था कि मैं एयर इंडिया से पहले दिल्ली जाऊँ फिर दिल्ली में लेओवर भी था. मैं सोचा टेडी से मिल लूँगा. टेडी की याद आ रही थी बहुत. फिर वहाँ मम्मी पापा की भी याद आ रही थी. मम्मी बोलेंगी ब्लॉग देख के हाँ तुझे उसी की याद आती है. मम्मी कह रही थी टांगे तोड़ूंगी जल्दी वापस आ. मैंने कहा एक्सक्यूज मी आप भी निकलो ट्राईपॉड और रेडी बैठ के काम करा लेंगे. काम तो वैसे ही होना है. वहाँ पर बैठो तो दिमाग की दही हो जाती भाई क्योंकि कुछ तुम अगर कुछ गलत होते हुए देखोगे अपनी आँखों के सामने तो ऑब्वियसली खून खोलेगा. इधर ये होता है कि फिल्टर हो जाता है. मेरे पास वहाँ वो बातें नहीं आती जो फकअप्स होते हैं. बढ़िया लंबा ब्लॉग बनेगा. कल उसने भाई 55 मिनट्स का बनाया था. मैंने कहा डाल 55 का लोगों को तो पसंद आता है. क्या इतना क्या किया है पता नहीं. अब ये इसने कल और जो आज डाला है डिवाइड करके और देखना. ये देखिए इशू तूने इसमें सीखनी है वीआईपी में. बट हमने किया क्या 55 मिनट जितना? अरे बके पे ले होंगे ना दारू पी के. मुझे क्या याद है जो हमारी स्टार्टिंग प्राइस है वो 7000 दिरहम्स है. कैन यू अफोर्ड अस? Excuse me, hello. We don't mix business and pleasure. No business and pleasure. No business and family together. Eat some nice poop. तेरे हाँ पता है 2 रुपए. 2 रुपए पहले. लड़ी बैठ वो फाकी. यार मेरा भी काम बढ़ा दे यार थोड़ा. मैंने तेरे को इसको मैंने इतना अच्छा दिया था. मैंने कहा देख ad spend मेरा. अभी तू जितना revenue कर रही है कर.
ठीक है, हमें 25% वो चाहिए, स्टेक चाहिए बस। बढ़ाऊंगा तो हूँ ना, हम इतना कॉन्फिडेंट तभी तो बोल रहे हैं हम 100। अच्छा इसके ऊपर दे दे, अभी जितना कर रही है उसके ऊपर करेंगे तभी 25% लेंगे। रेवेन्यू का, रेवेन्यू ओ अच्छा ठीक है, तो प्रॉफिट का तो प्रॉफिट 50-50 करना फिर। अगर हम लोग एडवर्टाइज लैशेस नेल ये सब करेंगे उसमें तो इतना मार्जिन ही नहीं होगा कि वो मार्केटिंग अब्सॉर्ब कर पाएगा। हाँ मेरे को हाँ थोड़ा तो रिजल्ट दिख ही जाएगा ना, देन वी कैन मेजर कि इसकी अभी सेल इतनी है। अगर हम 5 महीने का स्पेंड लगा रहे हैं, तू समझ तेरी 2 पिलपिनो की सैलरी हो गई, उतना तूने मार्केटिंग पे लगाया। अब अगर तू 1.5 लाख दिरहम अभी रेवेन्यू कर रही है तो वो 5,000 से, अगर पहले भी समझा चुका हूँ तेरे को, तो 5,000 से अगर तेरा 2 लाख हो गया तो 5 का 50,000 तेरा हमारा वो है, तो हमारा ROS जो आ रहा है वो 10 का आ रहा है कि हमने तेरा धंधा 10 टाइम्स बढ़ा दिया। नॉट 10 टाइम्स, मतलब प्रॉफिट। उससे पहले तो तू मतलब कंगली थी, फिर हमने 50,000 एक्स्ट्रा तेरे को सरप्लस दे दिया, अब उसमें से फिर 25 हमें दे दे, वो मैं कह रहा हूँ। तो मैं कर दूंगा ना वो, तभी तो बोल रहा हूँ, ये बैटिंग मेरी है ना, एड्स एड्स पे, ठीक है उसका हम डिजाइन करेंगे, हम वीडियोस बनाएंगे, हम मार्केट करेंगे। अगर तेरा 1.5 लाख से 2 लाख दिरहम की सेल हो गई तो 50 का 25 हमारा, ठीक है डन, कल से रेडी हो जा। नहीं 50, अगर 75 भी हुई तो भी 12, 12.5 मिलेगा, पैसे तो मैं लगा रहा हूँ ना 5,000। हाँ मैं कह रहा हूँ कि नुकसान मेरा और प्रॉफिट हुआ तो हाथ आधा, यू हैव नथिंग टू लूज, ठीक है चल ठीक है, 3 महीने ट्राई कर लेते हैं। हमारा कितना है, 15,000 दिरहम का नुकसान है, और अगर जीते हम मतलब जुआ हो गया ये। नहीं नहीं ठीक है डन डन चल, रेप रेप ड्राइवर अगले एक उसके भी निकाल देंगे हम। गाइस क्या बढ़िया लग रहा है, बैड बॉय विद नाइस फैब्रिक बीज। चलो गाइस तो मैं दिखाते हैं बढ़िया फैब्रिक स्टाइल अपार्टमेंट्स। दो मंथ है इसका रेंट कितना होगा, मस्त होगा ना। 475 475 टू बेडरूम का।
ठीक है, ग्रेट ग्रेप, चलो आ जाओ, दे कार्ड, दे चाबी, दे कीज, वेयर द कीज ब्रो, ये रहा 102 सामने है, खुल जा सिम सिम। ओ मस्त है यार, इसकी सीलिंग भी ऊपर है, ओ नाइस, लाइट जलाइयो, ग्रे वॉल्स हैं। सो गाइस दैट्स द अपार्टमेंट, पोटेंशियली सेकंड एयरबीएनबी, अभी इसकी कॉस्टिंग निकालते हैं हम, देखते हैं। दो मदर फ्रिज, ये देखिए यहाँ पे, अब देख कितना अच्छा फिनिश आ रहा है वाइट का, और जो हमने कराया वो छपरी लग रहा है वो, ये देखिए कितना मस्त है, चीज ही अलग है यार, आप कंपेयर नहीं कर सकते ना। देख कॉफी मशीन भी, हमें उधर कॉफी मशीन रखनी पड़ेगी एक, ओ ये क्या टेबल है। अच्छा तभी वो कह रहा था ब्रो आई पुट 150 ऑन फर्नीचर, एंड खुलते ही वी हैव नाइस व्यूज, बस इसमें हमें सोफा कम बेड लगाना पड़ेगा इधर ना, काफी स्पेशियस है। Let's check out some nice rooms. पहले पू पिट्स देखें, पू पिट्स, छोटे पू पिट्स, देखा अबे मेड्स रूम है साली, ये जैसे मेड्स रूम, इसमें पॉट है क्या, ये मेड्स रूम बन सकता है, आप एक बंक बेड लगा सकते हैं इस बेडरूम नंबर वन, काफी स्पेशियस है यार, डाउनटाउन वाले से तो बहुत बेटर है, हाँ खुला खुला है, खुला खुला है और ऊपर भी खुला है, ये ग्रेप, दिस इज द मास्टर बेडरूम, क्वाइट पैपी के बेड, छपरी नहीं लग रहे, इसमें स्लीप्स कितना होगा भाई, वाह ये कितना मस्त लग रहा है, ओए लाइट जलाइयो, ऐसे भी करा सकता था मैं, ऑटोमेटिक लाइट्स है क्या, हे सीधी लाइट्स ऑन, उधर लाइट नहीं है, है होनी चाहिए, बल्ब भी नहीं है, अब है भाई फॉल सीलिंग लगाई हुई है, देखिए ऐसे ये चला, स्विच ही नहीं है कोई, खराब है ये, फिर ये देख हिंजेस भी आए हैं, वो वुड है, ये मस्त लग रहा है। चलो गाइस हमने अपार्टमेंट देख लिया, थोड़ी इसकी अमेनिटीज देखते हैं, एग्जीक्यूटिव से तो बहुत बड़ा है, मैं इसको दुबई हिल से कंपेयर कर रहा हूँ, झूला सबके पास है भाई, वो जिनके पास भी झूला है सारे एयरबीएनबी होंगे, देख कैसे प्लांट पौधे लगाए हुए हैं, हम भी लगा देंगे, स्विमिंग पूल का है, चल झूला जो है बास्केटबॉल कोर्ट खेलना है, सो भाई यहाँ पे नहीं होगा स्विमिंग पूल, कहीं वो रहा उधर होगा, समुद्र में घुसने वाला पानी, वो देखो भाई बढ़िया पूल लग रहे हैं, तो व्यूज मस्त है, दो मदा दो मदा, तो गाइस पूल भी मस्त है एकदम, दो मदा, गाइस खर्चे पे खर्चे होते हैं इस गाड़ी ने कराया, मैं फिर से लेके जा रहा हूँ, अब तुम्हें शायद समझ आ जाए, बट वेट चेक करते हैं कितना है भाई, दो मदा, आज अब मेरा वेट कितना है पहले देखते हैं, माय वेट मैं तो बहुत कद्दू हो गया, 98 15 किलो, अबे 15 किलो भाई, ये तो मेरे बैग के भाई, बढ़िया बढ़िया मैंने गैजेट्स मंगाए, देखते हैं कितना यूज़ करते हैं, सी न्यू गैजेट, इसमें क्या करेंगे अब बता, इशू मेरे हाथ आ गए, थोड़ा और अल्ट्रा वाइल्ड चाहिए मुझे, एक्शन मोड पे लगा सकते हैं इसको, व्हाट अबाउट दिस वन, पर ड्राइविंग के लिए कितना सही है यार, अब से ट्रांजिशन बना सकते हैं हम गाइस, ये देखो हमें ऐसा है, ओह मस्त है यार ये तो, ये देखो चलो एक ट्रांजिशन बनाने की कोशिश करते हैं, आँखियाँ बुला ले, ओ हाँ चलो, हाँ चला जा वहाँ से, वहाँ से ट्रांजिशन, ओ मस्त बन रही है यार, गाइस 12:20 हो रहे हैं, 6:20 हो रहे हैं, हम जा रहे हैं मॉल, दुबई मॉल भाई, सामान लेना है, कुछ सामान ही नहीं मेरे पास, गाइस इसमें तो बहुत मज़ा आ रहा है भाई, ऐसा लग रहा है यूरोप आ गए हम, देखो ये इशू आ गया और ये हम आ गए बुर्ज खलीफा भाई, पर एकदम एकदम सामने है ना, टाइम देख हमारा कितना बच गया, बढ़िया एकदम, वो देखो ब्लैक साइबर ट्रक जा रहा था, बोरा ब्लैक साइबर ट्रक, दो मदा मस्त गाड़ियाँ आती हैं एकदम, तो गाइस नेक्स्ट टाइम दुबई आओगे ना तो भाई स्कूटी पे घूमना है, डाउन टाउन एरिया में मज़ा आ गया यार, और सोच अभी एक महीने बाद जब विंटर हो जाएगी तो ऐसे घूमेंगे मस्त एकदम।